सभी धार्मिक स्थलों का अपना अपना एक अलग महत्व है। आपने सुना ही होगा हर परिवार का अपना अलग अलग इष्ट देव होता है, लेकिन आज हम उस स्थान के बारे में बताने जा रहे हैं जो पूरे गांव के इष्ट देव है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यश बाबा मंदिर की, जिसे गांव तो गांव दूर दूर के लोगों की भी गहरी आस्था जुड़ी है। महंत दुबे बताते हैं कि जिले के अगरौली में यश बाबा का प्राचीन मंदिर स्थापित है। इस मंदिर में यश बाबा के भाई मनियार बाबा का भी स्थान है। इन दोनों भाइयों को बाघ ने अपना शिकार बना लिया था। यह दोनों भाई दुबे कुल में पैदा हुए थे। यश बाबा जानवरों की बोली भी जानते हैं। सावन महीने में भव्य तरीके से पूजा होती है। दूर दूर से लोग आते हैं। रोड का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है इन्हें। जानकार अवध किशोर दुबे बताते हैं कि अगरोली ग्राम के ब्राह्मण दंपति अनजान दुबे के घर यश दुबे और उनके छोटे भाई मनियार दुबे का जन्म हुआ था। यश बाबा का दलन छपरा वाजिदपुर में विवाह हुआ था। विवाह के कुछ ही दिनों बाद उनके पिता का निधन हो गया। उसके बाद उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। कहानी इनका ये है कि ये गाँव इनको कोई मारा नहीं है। ये इनको बाघ खा गया था और तब से ये पूजे जाते हैं। ये जा रहे थे जंगल होकर के ओछवाने लाने। जब बाघ इन्हें घेरा तो बोले जी हम लौट के आते हैं तो हमको तुम खा जाना। उसके बाद लौट के गए, इनको बाघ खा गया। इनकी पत्नी का मैंने हम लोग को पूरा पता नहीं है, लेकिन वो भी सुने हैं सती हो गई। इनके भाई हैं मनियार बाबा, उनकी भी यही है। जब भाई को खोजने गए तो इनको भी बाघ खा गया। या अपने भाई को खोजने गए, यश बाबा खोजने गए थे मनियार बाबा। पुजारी महंत दुबे ने बताया कि बाबा बाजार से सामान लेकर लौट रहे थे, तभी बाघ ने रास्ते में आक्रमण करने के फिराक में उन्हें रोक लिया। यश दुबे जानवर की भाषा व बोल जानते थे। वह खुशी के मौके पर बाघों से लड़ाई करना नहीं चाहते थे। बार बार आग्रह के बाद बाघ इस शर्त पर रास्ता छोड़ने को तैयार हुआ कि सामान रख कर फिर लौट आएंगे। इसके बाद वह सीधे घर पहुंचे और सामान रखकर बिना किसी से कुछ बताए बाघ को दिए वचन के मुताबिक उसके पास पहुंच गए। बाघ ने बाबा को देखते ही प्रहार करना शुरू कर दिया। दुबे बाबा का बाघ से ही प्रहार से मौत हो गई। उधर उनके भाई मुनियार दुबे को अपशगुन महसूस हुआ तो उन्हें खोजने निकल पड़े। उनका सामना भी बाघ से हुआ। अंततः बाघ ने इनको अपना शिकार बना लिया। ये बहुत पुराने समय का बात है, जिनसे कि लोग कहते हैं कि यश बाबा जो है इनको बच्चा हुआ लड़का हुआ था और वो छुआने लाने के लिए गए थे। उसमें जंगल झाड़ का समय था और रास्ते में जब वो छुआने लेकर लौट रहे थे तो रास्ते में इनको बाघ से मुलाकात हुआ और बाघ ने चाहा कि इन पर अटैक करें। तो बाघ से इन्होंने प्रार्थना की, भाई देखो मेरे को थोड़े देर के लिए टाइम दो, मैं जाऊँ घर ये देख करके आऊँगा और मैं लौट कर आऊँगा। बाघ भी छोड़ दिया, नहीं कुछ बोला, इंतजार करता रहा। जब लौट कर आए देख करके अपने बच्चे को तो इन्होंने बाघ ने इनको अटैक किया, उन्हें खा गया। इसके बाद उनके भाइयों को भी समाचार मिला, वो भी आए। मनियार दुबे उनका नाम था, वो भी उनको भी बाघ खा गया। लोग खाए तो मेरे को खा गया। तब से गाँव के लोग स्वप्न दिखाए कि मेरा पूजा पाठ करो, मैं गाँव का भलाई करूँगा। जो कोई भी मेरे को श्रद्धा से नाम याद करेगा उसका मैं भलाई करूँगा। लोगों का मान्यता है कि जो कोई भी श्रद्धा प्रेम से संकट के समय में होता है, जो इनके पास आता है या याद करता है, बाबा उनको जरूर सहायता करते हैं और सफलता मिलती है। दोनों भाइयों के मौत के कुछ साल बाद यश बाबा ने गांव वालों को सपना दिखाया कि अगर आप हमारा यहां मंदिर बनाकर पूजा पाठ कर लोगे तो मैं आप सभी का कल्याण करूंगा। सपने देखने वाले गांव वालों ने दोनों भाइयों का मंदिर बना दिया, जिसके बाद दोनों भाई गांव की रक्षा करते हैं। लोग में इनकी गहरी आस्था और विश्वास है।